मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं इतना भाग्यवान हूँ कि मेरे यहाँ स्वयं श्री हरि विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं और मैं उनके चरण कदमों की धूल हमेशा से बरसों शताब्दियों और सदियों से अपने मंदिर में सजाए बैठा हूँ। मैं अपने इतिहास को बताऊँ उससे पहले मैं अपने बारे में मौजूद तथ्य और जानकारी देता हूँ। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से विश्वविख्यात भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हूँ। मान्यता है कि मेरे इस मंदिर परिसर को छठी शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र नवीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ हिंदू ग्रंथों में आता है। मेरे इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपना अथाह धन एवं संपत्ति को भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए 6 तहखानों का निर्माण करके इसमें रख दिया था। 2011 में पुलिस अधिकारी खतरनाक हथियारों के साथ मेरे मंदिर परिसर के बाहर तैनात हो गए और फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेरे मंदिर परिसर में मौजूद तहखानों को खोलने की कार्रवाई शुरू की गई। हर गुप्त तहखाने के पीछे सोने की मूर्तियाँ, आभूषण, कई देशों के सोने और चांदी के सिक्के मिलते गए और वह आगे बढ़ते गए। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर तीसरे से चौथा, चौथे से 5 दरवाजे तक खोल दिए गए और मैं चुपचाप इस प्रक्रिया को देखता गया। लेकिन जब वह पहुंचे आखिरी दरवाजे के समीप, जिसका नाम दिया गया चैम्बर बी, शुरुआत में उसे मौजूदा टीम खोलने में असमर्थ रही। उसके बाद टीम ने उस दरवाजे की गहन जांच की तो पाया वहां पर कुल 3 दरवाजे थे। पहला लोहे का दरवाजा, उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाजा था और उसके तुरंत बाद एक और मजबूत लोहे का दरवाजा था। अंत वाले लोहे के दरवाजे की मजबूती पूरे मंदिर परिसर में सबसे मजबूत थी, जिसका कोई ताला भी नहीं था। और इस दरवाजे को खोलने का रहस्य बड़ा ही गुप्त जगह मेरे ही मंदिर परिसर में छुपा हुआ था। इस दरवाजे के ऊपर 2 विशाल नाग बने हुए थे। उन नागों को देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए और अधिकारी ने इसका कारण यह बताया कि हम दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए काम रोक दिया गया। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 खानों को खोलने के बाद टीपी सुंदर राजन, जिन्होंने इस दरवाजे को खोलने की याचिका दायर की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने से मंदिर के भक्त और मंदिर कमेटी और त्रावणकोर के राज शासक परिवार से यह कहा जाने लगा, अगर इस नाग बने हुए दरवाजे को तोड़ा गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यह मान्यता है कि नाग के बने हुए बड़े लोहे के दरवाजे को नाग बंधन नामक मंत्र से बंद किया गया है, इसलिए इसको कोई सबसे बड़े विश्व भगवान के भक्त हो वही इस मंत्र का उच्चारण करके उसे खोल सकते हैं। कहा जाता है कि मंत्र का नाम अष्ट नाग बंधन है। केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्व जजों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और 3 वर्षों तक मेरे मंदिर परिसर से निकलने वाले खजाने की गिनती की गई। पूरे शीर्ष भारत को पार करते हुए केरल पहुंचेंगे तभी मेरे दर्शन कर पाएंगे। दिल्ली से मेरी दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। मैं श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित हूँ। वैसे तो मौजूदा इस भव्य मंदिर को 18वीं सदी में महाराजा मारतंड वर्मा ने रेनोवेट करवाया था, परंतु मेरे इस मंदिर परिसर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। एक बार संत विल मंगलम अपने दिनचर्या के अनुसार शालिग्राम पत्थर की पूजा कर रहे थे। वे हर दिन शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और श्री नारायण विष्णु भगवान के दर्शन करने के लिए आँख को बंद करके हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, परंतु हर दिन तपस्या करते समय एक छोटा सा बच्चा परेशान करता था। बच्चे ने बताया कि जिनकी दर्शन की अभिलाषा से आप वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मैं वही हूँ और मेरा विराट रूप देखने के इच्छुक हो तो आनंद कुंद नामक जंगल के बीचों बीच आ जाएं। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। अब वह महात्मा जंगलों में इधर उधर खोज करने लगे। कुछ समय बाद उनको एक छोटी सी बस्ती मिली। वहां पर एक माँ अपने बच्चे को चुप कराने के लिए अनंत काडू नामक जंगल में छोड़ आने की बात कह रही थी। फिर वह महात्मा महिला से अनंत काडू नामक जंगल का रास्ता पूछने लगे। फिर बहुत परिश्रम करने के बाद एक महुआ के पेड़ के नीचे पहुंचे। उनके वहां पहुंचते ही महुआ का पेड़ बीच में से फटकर जमीन पर गिर गया और फिर वहां से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए। परंतु भगवान का स्वरूप इतना विशाल था कि लगभग 1000 किलोमीटर तक सिर्फ
भगवान की छवि दिखाई पड़ी। फिर महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की कि वे छोटे रूप में प्रकट हो ताकि वो श्री हरि की परिक्रमा कर सकें, और इसके बाद भगवान अपने छोटे स्वरूप में दर्शन देते हैं। यह बात उस समय के त्रवणकोर के राजा को पता लगी तो उन्होंने वहां पर एक मंदिर बनाने का आदेश दे दिया, और ऐसा माना जाता है कि आज भी शेषनाग पर विराजे प्रभु श्री हरि विष्णु नारायण मेरे परिसर के गर्भगृह में विराजमान है। मेरे इस विशाल परिसर की नक्काशीदार कारीगरी देखकर आप मोहित हो जाएंगे। तमिल द्रोविन की पद्धति से मेरा बना विशाल परिसर बहुत सुंदर और लुभावना है। त्रवणकोर के राजाओं का त्रास तिलक करने का कार्यक्रम बाकी घरानों से थोड़ा अलग है। वहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनता, वहां की रानी राजा की पत्नी नहीं बल्कि राजा की बहन यानी कि राजा की सिस्टर रानी कहलाती है, और इसके आगे के राजा उसी बहन की संतान को बनाया जाता है। इसी पद्धति से एक बार बने महाराजा मार्तंड वर्मा, उन्होंने पूरे साम्राज्य को भगवान पद्मनाभ स्वामी के चरणों में भेंट कर दिया। वह स्वामी के भक्त बन गए और उन्होंने यह घोषणा कर दी कि भगवान हरि के दास के रूप में शासन व्यवस्था को संभालेंगे। जिसके बाद जितने भी राजा बने सबने महाराजा मार्तंड का सम्मान रखते हुए श्री हरि नारायण के दास के रूप में ही शासन संभाला। फिर इंदिरा गांधी की रॉयल फैमिली द्वारा भत्ता हटाने के समय से विवाद शुरू हो गया, और उसी के साथ केरल हाई कोर्ट ने 2011 में रॉयल फैमिली के राइट्स को खत्म कर दिया। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट के किरण हाई कोर्ट के उस जजमेंट के ऊपर स्टे लगा दिया गया। 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सारे रीति रिवाज मौजूदा शासक परिवार ही देखेगी, और मेरे विशाल परिसर के मंदिर संचालन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एक विशेष कमेटी के साथ मिलकर करते हैं। मेरे इस विशाल समृद्ध मंदिर से जुड़े हुए कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसका नाम पेनकुनी अरट्टो, जो कि मार्च और अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, वहीं अल्पाशी अरट्टो त्यौहार अक्टूबर से नवंबर के बीच में मनाया जाता है। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर द्रविडम केरल की मिश्रित शैली से निर्मित, एक तरफ सुंदर समुद्र तट और दूसरी ओर पश्चिम घाट में पहाड़ी के मध्य स्थित हूँ। मेरे इस भव्य मंदिर परिसर में जो बहुत विशाल आकार दिया गया है उसकी ऊंचाई 7 मंजिल है। वह मेरे गौपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है जो मेरी सुंदरता को और आगे की ओर बढ़ाता है। मेरे विशाल परिसर के बीचों बीच गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु अपनी सवारी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। मेरे पूरे मंदिर के गलियारे में अनेक खंभे भी बने हुए हैं जिनके ऊपर अद्भुत नक्काशी की गई है। पास ही एक पद्मतीर्थकुलम नामक सरोवर भी मौजूद है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं केवल साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकते हैं। मेरी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हमेशा अपने गुप्त तहखानों में मौजूद सोने चांदी की चर्चाओं के बारे में ही सुना होगा। लेकिन मैं स्वयं श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता को अपने गर्भगृह में विराजमान करके बैठा हूँ, और मैं आप सभी को मेरे प्रभु के दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।